नीतू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, हकीम जी से बात करनी जी नीतू जी, आदाब, बताइए क्या सवाल है। है। मेरे को ना एक तो टॉयलेट जाने के बाद मेरे आंतों में और पीछे गुदा में बहुत ज्यादा दर्द होती है, और बिना नाश्ता किए ही मेरे को 2-3 बार जाना पड़ता है। और दूसरा, मेरे को 2-3 दिन से दिल इतना घटता है कि जैसे मेरी अभी जान चली जाएगी। तीसरा, मेरे ना ये पैर का अंगूठा सुन्न होता है, इसका कारण शुगर तो नहीं है? ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो वो अपना ये पेट की तकलीफ को आराम दीजिए, और उसके लिए देखिए आपके आपके वहाँ पर एक चीज़ मिल जाएगी आराम से, बादाम का गोंद। एक चीज़ आती है बादाम का गोंद, ये ले लीजिए। 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो आप फायदे में आ जाएंगे। इसको लेकर 100 ग्राम और ग्राइंडर में पाउडर बना लें, ठीक है। और इसका आधा से 1 ग्राम पानी में मिलाकर, पानी में डाल दें तो ये पानी को ही गाढ़ा कर देता है। और आधा या 1 ग्राम पानी मिलाकर रोज़ाना एक बार या 2 बार पिया करें। कभी भी पी सकते हैं, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी, जहां आपको आसानी हो। तो ये पेट की समस्या के लिए। अब शुगर की वजह से अंगूठा सुन्न नहीं हो रहा, बल्कि कमर में नर्व दबनी शुरू हो गई है, ठीक है। ये आप वेस्टर्न टॉयलेट तो आपके घर में होगा, नहीं हो तो लगवा लें। और गोंद स्या आता है, एक काला गोंद, ये मिलता मुश्किल से है, नकली भी मिलता है, असली लेना ज़रूरी है। ये भी खाली 100 ग्राम खरीद लें, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम। रॉ मटेरियल लेना पानी, ऐसे पानी से या बगैर चर्बी के दूध से लिया करें रोज़ाना 2 टाइम खाने के बाद। इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। शुगर की दवा खाते रहें, और शुगर का इलाज आपने नहीं पूछा इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। जी, यूपी से अगले कॉलर हैं नरेश सैनी। स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। मैडम जी। सैनी साहब बताइए। सर, हमको 2 साल से अनिद्रा समस्या, नींद बिल्कुल नहीं आती। एलोपैथिक दवाई हम करवा रहे, कोई फायदा नहीं हो रहा, दवा बंद नहीं हो रही। जी कोई बात नहीं सैनी साहब, हम आपको एक ऐसी दवा बताते हैं जिसके पहले दिन के इस्तेमाल से आपको काफ़ी लाभ होने लगेगा। देखिए, जैतून का सिरका आता है, लिख लीजिए आप, जैतून का सिरका, और सुबह शाम रात में, मतलब सोने के टाइम जब हो जाता है, 3-4 चम्मच पानी में मिला के रोज़ पी लिया करें। अब यकीन करें, 1 घंटे के अंदर आपको इतना सुकून और दुनिया के गम भुला देंगे, और लेटते चले जाएंगे और सुबह को तक गफलत की नींद सोएंगे। दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 2 बार लेना, नहीं तो 1 ही बार काफ़ी है, जैतून का सिरका। इसी के साथ अगले कॉलर हैं राम मोहन जी। स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? एम पी से बात कर रहे हैं, तीन साहब से बात आ करना है। जी जी, हम आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है। सवाल ये है सर कि हमारे पेट में गड़बड़ी रहती है, पेट साफ नहीं होता है, और गैस जो है सिर में चढ़ जाती है। ठीक है, जी। देखिए ये नुस्खा हर घर में होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, और क्योंकि सारे रोग हमारे पेट से शुरू होते हैं, और फिर वो चाहे सर में चले जाएं, चाहे हमारे कोई और रोग बन जाए, लेकिन पेट बीमारियों की जननी है। और ये नुस्खा दुनिया का मशहूर नुस्खा और कामयाब नुस्खा कहलाता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लिख रहे हैं तो ये नुस्खा आपका है, जो लोग लिख रहे हैं बस उनका है ये। आप लिख लीजिए कि धनिया का दाना, धनिया 200 ग्राम, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम मेथी, 200 ग्राम सूखा हुआ आंवला, 200 ग्राम मेथी का दाना, और 200 ग्राम आंवला सूखा हुआ, ये 4 चीज़ें लीजिए। और 150 ग्राम आपको ख़रीदना है नमक जैतून। जैतून का एक रसायन आता है जिसे नमक जैतून कहते हैं, मुश्किल से मिलता है, लेकिन ले लीजिए 150 ग्राम।
इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह खाली पेट लें और एक चम्मच रात को खाने से पहले आप पानी से लिया करें। आप देखेंगे फ़ायदा तो आपको बहुत जल्द होने लगा, लेकिन आपको ये पूरा नुस्खा ख़त्म करना है और हर घर में ये अगर रहे तो रोग मुक्त घर भी हो सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं मनप्रीत कौर, स्वागत है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? हरियाणा नारायणगढ़ से बात कर रहे हैं, हरियाणा से बोल रहे हैं। ठीक है, सवाल क्या है? हाँ जी, सवाल हमारा, मेरा बेटा है, उनके नाक की हड्डी ना बढ़ गई, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन होगा, तो ये पूछना है उनको परेशानी क्या है, नाक की हड्डी बढ़ने से कोई परेशानी? परेशानी उनको सांस नहीं आता, इतना उनका नाक में रेशा है ना, तो सर्दियों में शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा बेटा देखो एक बात मेरी विश्वास के साथ सुनो कि मैं तकरीबन 40 साल से ये सेवा कर रहा हूँ यूनानी के आयुर्वेद के ज़रिए, और मेरा ये अनुभव है कि किसी की नाक की हड्डी नहीं बढ़ती, लेकिन जो लोग इसको डॉक्टर को दिखाते हैं वो कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई। दरअसल हमारी नाक की हड्डी कभी भी नहीं बढ़ती, हमारे नाक में ग्लैंड्स होते हैं और वो ग्लैंड्स जब हमें नज़ला होता है, खांसी होती है, कफ आता है, तो वो ग्लैंड्स फूल जाते हैं। अब क्योंकि एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय उन ग्लैंड्स को काट दीजिए, वो ग्लैंड्स काटने बहुत नुकसानदेह हैं। ये ग्लैंड्स जितने होने चाहिए इतने हो सकते हैं, लेकिन इसमें यूनानी में 5-6 महीने इलाज करना पड़ता है। बच्चे को बाहर की चीज़ें बंद कर दें, खट्टी चीज़ें बंद कर दें और बाहर की जितनी भी चीज़ें बंद कर दें, अपने हाथ का खाना खिलाइए 4-5 महीने, जो कोशिश करिए घर का खाना खाए, खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाए। ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनको ये प्रॉब्लम होती है, एक इम्यूनिटी की दवा है 5-6 महीने खिलाइए और बच्चा ऑपरेशन से भी बच सकता है। माजून आर केयर, माजून आर केयर सुबह एक चम्मच, शाम एक चम्मच, सुबह खाली पेट गर्म पानी से, रात को सोते समय, और जितना गर्म पानी पिएगा बच्चा उतनी जल्दी स्वस्थ होना मुमकिन है। जी, पंचकुला से अगले कॉलर हैं माया देवी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आदाब हाँ माया जी, मैंने ना अपनी बेटी के लिए पूछना था। मेरी बेटी है 50 साल की, उसे ना बचपन में पोलियो हो गया था एक टांग में, उसका है कोई इलाज? अच्छा माफ कीजिएगा, पोलियो का तो जितना होना था हो गया, और पोलियो का इलाज एलोपैथ में सबसे अच्छा है, यूनानी में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर दर्द है उसको, पोलियो की वजह से दर्द है, तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन हम उस पोलियो ज़्यादा टांग को ठीक नहीं कर सकते, दर्द है तो उनका फ़ायदा हो सकता है, बस इतना ही हम बच्ची के लिए कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरमन जी पंजाब से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैम मुझे मोटापा बहुत ज्यादा आ रहा है। आपकी एज क्या है? 12 साल। 12 साल की गुड़िया है या बुढ़िया है बताइए? देखिए मोटापा और बुढ़ापा एक सी चीज़ है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप 12 साल की गुड़िया हैं या बुढ़िया हैं, दवा कोई मत लीजिए, बिल्कुल दवा मत लीजिए, जितना दौड़ सकें दौड़िए, जितना खेल सकें खेलिए, आजकल तो पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं चल रही तो खेल ही लीजिए, लेकिन आप मोबाइल पर मत खेलिए, सेलफोन पर नहीं, बाहर ग्राउंड में मम्मी के साथ, भाई के साथ, पापा के साथ, और भाग दौड़ वाला गेम खेलिए, और 5 बार गर्म पानी पीजिए, और बाहर की जो चीज़ें आप खाते हैं ना, वेफर्स, चॉकलेट वगैरह वगैरह, ये सब छोड़ दीजिए, 5 महीने दौड़िए, आपको दवा की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल इतने छोटे बच्चों को दवा नहीं दूंगा, आप देखेंगे आप सुडोल होती चली गई, भागने का गेम खेलना है, और कैसी अपनी जैसी एक लड़की तलाश करिए जो मोटी हो रही हो, उसके साथ गेम खेलिए, तो एक दवा से 2 लोग ठीक होंगे। पैदल चलिए, भागिए दौड़िए, फुटबॉल खेलिए, और भागना दौड़ना है बस,
और बैडमिंटन खेलिए, आप देखेंगे 5 महीने आपका वजन आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो सकता है। जी, अगले कॉलर जयपुर से हैं, राज, स्वागत है आपका। स्वागत है राज आपका। मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल मेरी दादी जी के लिए है और उनकी उम्र अभी 80 साल है। कितनी? 80? तो उनके, हाँ, तो उनको अभी मतलब अचानक 2-4 दिनों से थोड़ी कमजोरी हो रही है। बाकी पहले वो काफी अच्छा चल फिर लेती थी और थोड़ी थोड़ी उनकी याददाश्त भी हल्की सी कम हुई है। वो तो उम्र के साथ मैं जानता हूँ कि कम हो सकती है, पर उनको कमजोरी बहुत ज्यादा फील हो रही है, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है कुछ 2-4 दिनों से। अच्छा, दादी को आप रोज आना सुबह शाम, 2 खजूर और 2 अंजीर, अंजीर आती है ना सूखी मिलती है, ताज़ी तो बहुत कम मिल पाती है इस तरफ हमारी तरफ, तो 2 खजूर और 2 अंजीर रोज़ाना सुबह शाम खिलाया करिए, 2 खजूर 2 अंजीर सुबह, 2 खजूर 2 अंजीर शाम को, और बग़ैर चर्बी का दूध पिलाया करिए, आप देखेंगे आपकी दादी पहले जैसी सेहतमंद भी हो सकती है। जी, पंजाब से नेक्स्ट कॉलर गुरप्रीत सिंह, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैम मैं पूछना चाहती थी, मेरी उम्र ना 30 साल है, मेरी शादी को 2-3.5 साल हो गए हैं, मुझे ना ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है। जी ठीक है। अच्छा देखिए, जितने भी बच्चियां होती हैं उनको ये सिस्ट होती है ज़्यादातर को, और इससे कोई घबराने की बात नहीं, शादी आपकी हो गई है, कल को भगवान आपको औलाद भी देगा, और हमारे अनुभव में ये बात खूब अच्छी तरह आ चुकी है कि जब हम साहिब औलाद होते हैं, यानी जब हमारे बच्चा होता है, उसके बाद ये सिस्ट कहाँ गई डॉक्टर खुद ही ढूंढते रह जाते हैं। तो अभी इसका ऑपरेशन मत कराना, एक बच्चा होने दीजिए, बच्चा होने के बाद अक्सर ये गायब हो जाते हैं, और मेरी बात पे आप अमल करेंगे तो आपको बहुत फायदा मुमकिन है। जी, मुंबई से नेक्स्ट कॉलर है प्रिया, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, मेरी मम्मा है, उनको ना घास का बहुत तकलीफ है, मतलब बहुत ही। कितने सालों से? कितना साल में? 5-6 सालों से उनका मतलब पेट भी साफ नहीं होता है, वो पेट बढ़ते ही जा रहा है। एज क्या है? एज उनका 49 है, 48-49 आएगा। ठीक है। हाँ बेटा, ये समस्या हर घर की है, और इसके लिए नुस्खा भी एक बहुत अच्छा है, जो लोग लिख लेते हैं उनको बड़ा काम आता है, जो लिखते नहीं हैं उनको याद कुछ रहता नहीं, फिर उल्टा पलटा बना के नुकसान भी कर सकते हैं। तो आप लिख रहे हैं तो मैं बोलना शुरू करूं। सौंफ 200 ग्राम, मेथी का दाना 200 ग्राम, आंवला सूखा हुआ 200 ग्राम और धनिया 200 ग्राम, इन सबको रखें, और एक चीज़ मिलेगी बाहर से, वो है रसायन जैतून, जैतून का रसायन कहते हैं, नमक जैतून भी कहते हैं आसान भाषा में, और इंग्लिश में एस्ट्रेक जैतून कहते हैं, ये सफ़ेद किस्म का एक नमक जैसा दिखने वाला पदार्थ है जिसे रसायन जैतून या नमक जैतून कहते हैं, ये जायके में नमकीन नहीं होता लेकिन नमक जैतून इसे कहते हैं, इसको 150 ग्राम इसे मिलाकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 रात को सोते समय ज़रूर खिलाया करें पानी के साथ, आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर हल्द्वानी से हैं रजनी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। जी हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार मैम, मैं रजनी बोरा बोल रही हूँ। जी मैम, मेरा थोड़ा सा ना वेट ज्यादा हो गया था, मोटापा। कितना वेट है आपकी, एज कितनी है? 68 वेट है या आपकी एज है? 68 मेरा वेट है मैम। और एज? एज मेरी 25। ओके। हाँ देखिए, दवाओं से भी आदमी ठीक होता है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ बच्चियों से कि अपने दिन में 1 घंटा भाग दौड़ का टाइम निकालिए, कोई ऐसा गेम हो, कोई गेम खेल सकते हैं,
जिसमें बहुत मेहनत हो, भागना दौड़ना हो, तो ये सबसे अच्छा नुस्खा है। बाहर जाएं, वॉक करें और खूब तेज़ भागें, 5 बार गर्म पानी पिएं, ये बहुत सुरक्षित है। इससे आप दुबले पतले हो जाते हैं और सुडौल हो जाते हैं, और बॉडी क्योंकि आपकी ग्रोथ कर रही है तो उससे कोई नुकसान भी नहीं होता। वरना फिर दवाएं भी हैं, मैं एक नुस्खा भी बता देता हूँ, वो बड़ा अच्छा है। जैतून का नमक, रसायन जैतून नाम से एक चीज़ आती है, इसको 2 चुटकी पानी मिलाकर सुबह शाम पीने से भी वज़न कम होता है। कैप्सूल एफ केयर, एफ फॉर फैट, कैप्सूल एफ केयर लेने से भी वज़न कम होना मुमकिन है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन यह है कि भाग दौड़ के और थोड़ा खाना कम खाकर, जैसे 4 रोटी खाती हैं तो 2 रोटी खाने लगी, 5 बार गर्म पानी पीजिए और भाग दौड़ कर गेम खेलिए, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।